Hi guys, people who don't know me, my name is Meenakshi Gupta and I make videos on lifestyle, vlog and makeup. तो ये video like हालांकि title से देख के आपको मालूम चल गया होगा कि video किस चीज़ के ऊपर है, but still मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक ring light purchase करी है, Digitech की ring light purchase करी है. And Digitech की ring light बहुत hype में है because मैंने सुना था कि वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी उसमें light होती है और काफ़ी अच्छा perform करती है एंड यूट्यूब्स के लिए, यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, रील्स के लिए स्पेशली. तो लाइक मैंने थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज़ देख के मैंने मंगाई है, तो फाइनली मेरे पास रिंग लाइट आ चुकी है मेरी. तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे रिंग लाइट के साथ क्या क्या मिला है, कैसी है, कैसे परफॉर्म करती है. तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग गाइज, प्लीज़ मैं सब कॉपरेट करना बिकॉज मैं आगे का जो वीडियो कंटिन्यू करूँगी मैं चश्मा पहन के कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे बिना चश्मे के कुछ नहीं दिखता बिकॉज मैं अंधी हूँ. प्लीज़ ये सीक्रेट किसी को मत बताना. तो सबसे पहले मुझे कुछ इस तरह के बॉक्स में रिसीव हुआ था. बॉक्स इतना बड़ा बॉक्स है, इतना बड़ा बॉक्स. तो मुझे इसमें रिसीव हुआ था, मतलब इस पर रिसीव नहीं हुआ था, ये इसकी आउटर पैकेजिंग है. उसके बाद ये ऐसे नॉर्मल कार्डबोर्ड है, तो इस पर टेपिंग थी, काफ़ी अच्छे से पैक था. तो उसके बाद इसके अंदर फिर मुझे एक की बॉक्स मिला था. दिस इज़ दी बॉक्स, दिस इज़ दी ओरिजिनल डिजिटेक बॉक्स. इसके अंदर सारी चीज़ें थी. और एक्चुअली आपको अमेज़न में दो ऑप्शंस मिल जाएंगे. एक पहला ऑप्शन है कि आप सिर्फ रिंग लाइट मंगा सकते हो, ठीक है. तो जो मैंने ऑर्डर करी है वो रिंग लाइट प्लस स्टैंड है, बिकॉज मेरे पास स्टैंड था बट वो बहुत मतलब हल्का फुल्का सा था. फ़ोन मतलब फ़ोन के लिए ट्राइपॉड बहुत अच्छा था, बट रिंग लाइट को वो बिल्कुल भी झेल नहीं सकता बिकॉज वो 1 से 1.5 किलो की रिंग लाइट है. तो मुझे मतलब मैंने रिंग लाइट और स्टैंड दोनों चीज़ें ऑर्डर करी हैं. तो अगर आप रिंग लाइट ऑर्डर करोगे तो आपको वो मिल जाएगी अराउंड 3400 to 3500 रुपीज़. बट मैंने जो रिंग लाइट और स्टैंड ऑर्डर किया है वो 4200 रुपीज़ का है दोनों चीज़ें. तो अगर रिंग लाइट होती तो वो आपको छोटे से कार्डबोर्ड में आती है, सिर्फ रिंग लाइट का बैग आता है. बट अगर आप रिंग लाइट एंड स्टैंड दोनों चीज़ें ऑर्डर करते हैं तो आपको ये इस तरह का बॉक्स रिसीव होगा. दिस इज़ द ओरिजिनल, जिसमें देखो रिंग लाइट और स्टैंड दोनों चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है. तो ये आपको मिल जाएगा. एंड देन उसके बाद मैं आपको शो करती हूँ. फिर आपको कुछ इस तरीके से ये स्टैंड का कवर है, जो हमारे पास स्टैंड है ट्राईपॉड, ये उसका स्टैंड है, ठीक है. उसके बाद फिर मुझे रिंग लाइट का बॉक्स रिसीव हुआ था और इसमें देखो चीज़ें लिखी हुई हैं. डिजिटेक की है LED रिंग लाइट, मॉडल नंबर लिखा हुआ है DRL18H, डुअल कलर टेम्परेचर और कितने वॉट की भी लिखा, 55 वॉट. नहीं, मुझे ये बैग रिसीव हुआ था, इस बैग के अंदर ही रिंग लाइट थी. और सबसे पहले एक बॉक्स था, बॉक्स के अंदर ही बैग था, बैग के अंदर रिंग लाइट थी. और जितने भी इसमें जो फ़ोन का माउंट होता है और इसके जितने भी स्क्रूज़ होते हैं वो सारे इसके अंदर ही थे. और काफ़ी सेफली आई है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं थी, कहीं से भी बॉक्स टूटा फूटा या कुछ कटा फटा नहीं था. अभी मैं फाइनली आपको रिंग लाइट रिवील करती हूँ, कैसी है, कैसे परफॉर्म करती है या कैसे उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है. कैसे असेंबल करना है वो मैं दिखाती हूँ आपको. ओके, सो दिस इज़ आवर रिंग लाइट. आप देख सकते हो कि लाइक कितनी बड़ी है साइज़ में. और यहाँ पे आप देखो स्टैंड में एक डिजिटल का लोगो भी दिया हुआ है. और ये मेरी रिंग लाइट है. अभी तो बहुत यू नो डल लग रहा है, जो आप पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो तो कितना डल लग रहा है लाइक ग्रीन कलर का. अभी मैं रिंग लाइट ओपन करूँगी, आप देख सकते हो भाई दीवार में जान आ जाएगी. होल्ड, आप देख सकते हो कि लाइक कितनी अच्छी लाइट आ रही है. यहाँ पर भी इसे मॉडल नंबर दिया हुआ है और साथ में ये एक केबल मिलता है, ठीक है. केबल को आपको यहाँ से अटैच करना होता है. अटैच करने के बाद डायरेक्टली आप इसको यहाँ पे प्लग कर सकते हो. प्लग करने के बाद आप इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हो. यहाँ पे एक ऑफ़ और ऑन वाला बटन है, इससे ये ऑफ़ हो जाएगी एंड इससे ये ऑन हो जाएगी, ठीक है. और ये आपको मोबाइल का माउंट मिल जाएगा और आप ये मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा. सब कुछ अटैच करना पड़ता है आपको. तो ये टूटा नहीं हुआ है, डिज़ाइन कुछ ऐसा है इसका. एंड देन यहाँ से आप ब्राइटनेस तेज कर सकते हो, धीमी कर सकते हो. यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, वार्म कूल टोन और लाइक हर तरीके के कलर आप चेंज कर सकते हो. एंड यहाँ पे आप अगर ये रिमूव कर दोगे, रिमूव करने के बाद यहाँ पे अपना DSLR कनेक्ट कर सकते हो आप. अगर आपके पास DSLR नहीं है, फ़ोन यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो. आप इसकी जगह यहाँ भी कर सकते हो. ओके, सो नाउ यू कैन सी मी थ्रू दिस.
तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करती है, कितनी लाइट है, कैसी है. तो जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको ऑन करती हूँ एंड सी द मैजिक. तो कुछ इस तरह की लाइट है ये, और आई नो अच्छी लग रही है, मैं भी अच्छी लग रही हूँ. तो इसमें देखो दो बटन्स हैं, दो नॉब हैं, आप इसमें इनको एडजस्ट कर सकते हो. इससे ब्राइटनेस ये बंद हो जाएगी, फिर आप इसको धीरे से ऑन कर सकते हो, ब्राइटनेस तेज़ 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 और जितना तेज़ करना चाहो कर सकते हो. फिर इसको धीमा कर सकते हो, कम कर सकते हो, कम कर सकते हो, बंद हो गई, बट आप इसको ऑन कर लो. ठीक है, फिर ये आपके यहाँ पे कलर चेंज होंगे, वार्म नूड, कूल टोन, लाइक सॉरी कूल टोन, वार्म टोन, राइट. देखो ये कूल टोन है, ठीक है, ये एकदम कूल टोन है एंड ये वार्म टोन है. और फिर एकदम येलो हो जाएगी, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है. और ये मैं दिखाती हूँ, ये लाइक कूल टोन और वार्म टोन के मिड में है, तो ये सबसे बेस्ट है. और कूल टोन ही बहुत अच्छी है. तो दिस इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर और ब्राइटनेस, तो ये मेरे लिए परफेक्ट है. तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ये ऑफ़ और ऑन का बटन है, अगर आपको दिख रहा है तो ये है ऑफ़ और ऑन का बटन. और बाकी आप ये दोनों एडजस्ट करने वाले बटन्स हैं. यहाँ पे आप अपना माउंट यहाँ पे भी लगा सकते हो, ये लगा हुआ है ऑलरेडी. और एक चीज़ और बताती हूँ, ये जो स्लॉट्स दिख रहे हैं आपको, जस्ट अ सेकंड, ये जो स्लॉट्स दिख रहे हैं आपको, जस्ट अ सेकंड, ये जो स्लॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, आप सेल लगा सकते हो. अगर आपको यहाँ पे जैसे लाइक सपोज वहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, पावर से कनेक्ट किया हुआ है, सो अगर आपको कहीं आउटडोर शूट, इनडोर शूट करना है तो आप ये कनेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपको आउटडोर शूट करना है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर, यहाँ पे सेल लगा सकते हो. ठीक है, आप अमेजन में डिजिटल के रिंग लाइट का सेल देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, बैटरी का सेल जो भी है मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, आप वो कनेक्ट कर सकते हो. और यहाँ पे मॉडल नंबर है, स्विच ऑफ स्विच ऑन बटन है, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो केबल, ये एडजस्ट नॉब्स हैं और ये माउंट है आपका, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो को लाइक भी कर देना प्लीज़. और कुछ भी क्वेरीज हो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, अगर वो चीज़ें मुझे पता होंगी तो मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगी, नहीं भी पता होंगी तो मैं पूछ के आंसर कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना. बाय, टेक केयर.